भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश के तीनों महामंत्रियों के साथ एक योजना बैठक में भाग लिया। इस बैठक में भाजपा की आगामी सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला एक नया गठबंधन देश में बना है। उन्होंने कहा कि सनातन को समाप्त करने वाला यह घमंडिया गठबंधन नहीं चलेगा। बिंदल ने कहा कि सनातन धर्म का बाल भी बांका कोई नहीं कर पाया है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला एक नया गठबंधन देश में बना है। अब इस गठबंधन को क्या नाम दिया जाए? इस गठबंधन ने आज से चार दिन पहले इकट्ठे होकर के एक रणनीति बनाई और वो रणनीति उसका खुलासा तमिलनाडु में जाकर के होता है। तमिलनाडु के एक मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र हैं उदयनिधि, और वो वहां हजारों की भरी सभा के अंदर सनातन धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है और इस तरह से उखाड़ फेंकना है जैसे हम मच्छर को, मक्खी को, डेंगू को, मलेरिया को, इसको समाप्त करते हैं। अब ये किस प्रकार का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ बना है जो हिंदू धर्म के ऊपर सीधा सीधा अत्याचार करने के ऊपर उतर आया? कांग्रेस पार्टी इस बयान से पल्ला नहीं झाड़ सकती है और वो सनातन जो आदि काल से चला आ रहा है, वो सनातन जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो सनातन जो पूरी दुनिया का सदैव मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करेगा, उस सनातन को समाप्त करने वाला ये घमंडिया गठबंधन, ये इस प्रकार की भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है, निंदनीय है और सनातन का बाल बांका कोई नहीं कर पाया। शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, पठान आए, चंगेज खान आए, अंग्रेज आए, इस सनातन का कोई कुछ नहीं कर पाया। आज ये जो घमंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये भी इस प्रयास में जुट गई है। ये होने वाला नहीं है, ये निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।